नमस्कार दर्शक फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और ये व्लॉग है IHOA यानी कि पुणे शो IHOA का। और 15th of February हम लोग यहाँ पे पहुँचे, वेन्यू पे काम शुरू है, शो की तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है। और ये पूरा दिन से लेके रात तक ये अब नाइट शिफ्ट शुरू हो चुकी है और काम चालू है, शो की तैयारियाँ शुरू हैं और घोड़े उतरना शुरू हो गए हैं। और सरप्राइजिंगली जो घोड़ा हमारे सामने उतरा वो था केसरिया। सो केसरिया 15th की नाइट को IHOA शो में उतर चुका है और स्टैलियन रिंग में ये अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। बहुत ही शानदार घोड़ा है केसरिया और ये इस तरह के स्टेबल्स हैं जो कि अभी फाइनल नहीं हुए हैं और बहुत सुंदर दिखने वाले हैं ये फाइनल स्टेज पे आते आते, अभी ये फाइनल नहीं है। सो केसरिया आ चुका है और प्लानिंग चल रही है कि अब केसरिया को स्टेबल में कौन से स्टेबल में डाला जाए और कहाँ पे उसको स्टे किया जाए। सो रात के 1 बज रहे हैं और केसरिया ने एंट्री की है पुणे शो में। बहुत ही अच्छा ये शो होने वाला है, काफ़ी अच्छी इसकी तैयारियां होती हैं, काफ़ी अच्छी इसकी क्वालिटी होती है, काफ़ी अच्छे इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं और किसी भी प्रकार की कोई शिकायत की गुंजाइश यहां पे नहीं होती हैं, जो कि आगे ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉग में बताया जाएगा कि शो का फॉर्मेट कैसा रहता है, शो में जजेस का रोल कैसा रहता है और इसमें जो स्कोरिंग होती है वो किस प्रकार होती है। और ज़्यादातर लोग तो जो जानते हैं उनको पता ही है कि पुणे शो बहुत ही क्लियर और सिस्टमेटिक शो है जिसमें किसी भी प्रकार की कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस नहीं होते हैं, किसी भी प्रकार का कोई कंप्लेंट अश्वपालकों को नहीं होती है। और ये लोट लगाते हुए केसरिया, बताया गया कि केसरिया एक बार लोट लगाने लगता है तो काफ़ी देर तक वो लोट लगाता है। थकान के बाद, काफ़ी लंबा सफ़र करके आने के बाद अपनी थकान दूर करते हुए केसरिया, बहुत ही सुंदर दिखने वाला केसरिया घोड़ा पुणे शो में आ चुका है। और साथ ही आए हैं इसके 2 रिजल्ट्स जो आपको दिखाएंगे हम। और एक आ चुका है गोल्डन रॉक का बच्चा, एक आ चुका है काजिम का बच्चा हैंडसम, एक आ चुका है गोल्डन रॉक का बच्चा गोल्डन स्टार। सो ये सब इस व्लॉग में आपको दिखाया जाएगा। शो की तैयारियां बहुत ही ज़ोरों शोरों पे है, और ये उतर चुका है हैंडसम ऑफ काजिम घोड़े का एक बच्चा हैंडसम, जो कि महाराष्ट्र में ही है स्टेबल, वो उतर चुका है। और ये Day 2 यानी कि 16th of February रजिस्ट्रेशन डेस्क लग चुकी है। रजिस्ट्रेशन डेस्क पे आप देख सकते हैं
जहाँ पे प्रॉपर एक सॉफ्टवेयर मेंटेन किया जाएगा और यहाँ से घोड़ों को रजिस्टर करके उनका वेट चेक होने के बाद में उनको तीन जगहों पर स्टे किया करवाया जाएगा, तीन रिंग्स में उनको अलग अलग जगह पर स्टे करवाया जाएगा। उसके बाद सब जो हैंडलर्स हैं उनको टी शर्ट्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और ये है गोल्डन रॉक का बच्चा, टू टीथ कैटेगरी में है और ये भी पुणे शो में अपने पार्टिसिपेट करने आया है। गोल्डन रॉक अच्छा ब्रीड करने वाला एक घोड़ा, अच्छा दिखने वाला एक घोड़ा, बहुत सारे शोज़ जीतने वाला घोड़ा, उसका ये बच्चा है गोल्डन स्टार, जिसकी मालिश सुबह सुबह हो रही है। और ये दूसरी एक घोड़ी जो कि सेम स्टड फार्म से आई है, सुबह सुबह मालिश का समय है, मालिश चल रही है, घोड़ों की ग्रूमिंग चल रही है। और ये है केसरिया जो कि रात को लेट नाइट आने के बाद अपनी थकान उतारते हुए मालिश सेवा करवाते हुए अपनी मालिश डेली होती है या शो के हिसाब से होती है? नहीं नहीं, वहाँ पे डेली होती है, डेली होती है। यहाँ पे थोड़ा लेट हो गए। हाँ तो वहाँ पे सुबह मॉर्निंग में 6 बजे उठ के जोगान डाल देते हैं, बाद में 7 बजे लंजिंग के लिए और उसके बाद मालिश, उसके बाद में 2 घंटे बाद 1 घंटे तक मालिश, फिर शाम को थोड़ा ब्रशिंग कर देते हैं। और ये है केसरिया का बच्चा जो कि मिल्क टीथ कैटेगरी में आया है। और ये है पोसाना वाले घोड़े का एक बच्चा जो कि भावना खारिया जी का है और उनके घोड़े भी रात को यहाँ पे आए हैं। और ये ग्राउंड है जहाँ पे घोड़ों को वेट चेक और रजिस्ट्रेशन के बाद होल्ड किया जाएगा। और यहाँ पे ये पार्किंग जो है ये बाहर की तरफ होंगी और घोड़ों को यहाँ पे स्टे किया जाएगा, एक बार होल्ड किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट होल्ड है वो इस दरवाजे से बाहर निकल के ये एक रिंग है, इस रिंग से बाहर निकलने के बाद ये दूसरा होल्ड जो है वो यहाँ पे होगा। इस तरह से घोड़े यहाँ अंदर की तरफ जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ पे हॉर्स राइडिंग हो रही थी वहाँ पे होल्ड होगा। और फिर फाइनली ये जो फाइनली ये जो शो के लिए जो रिंग बनाया गया है जहाँ पे इवेंट फाइनली होने वाला है, ये वो जगह हैं जो कि रात को तैयारियां हो रही थी और अब इस तरह से सब प्रिंटिंग मटेरियल लग चुका है, बाकी सारी स्टेजेज एंड राइजर्स एंड स्क्रीन्स एंड ऑल सब असेंबल हो रही है। यहाँ पे गेस्ट के लिए सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है। ये जो कैनोपीज़ हैं इनके नीचे सिटिंग अरेंजमेंट होने वाला है गेस्ट का, और सामने जो है वो भी वीआईपी जो गेस्ट हैं उनकी सिटिंग होंगी। और इस तरफ जहाँ भी मैं खड़ा हूँ, जहाँ से मैंने कैमरा दिखाया है ये, सो ये जगह है जहाँ पे जजेस बैठेंगे और घोड़ों का
आकलन करेंगे कि कौन सा घोड़ा किस पोजीशन पे होना चाहिए। बहुत ही कमाल की तैयारियां यहाँ पे होती है, बहुत अच्छा जो है वो अच्छे से इस शो को किया जाता है। ऑडियंस के आराम का ख्याल रखा जाता है, जो दर्शकगण हैं उनके उनकी उनके कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, घोड़ों के कंफर्ट का ध्यान रखा जाता है, और बहुत ही क्लीन ये शो होता है। सो ऐसे ही लेट्स फ्रेग्रेंस पे वीडियो देखते रहिए दोस्तों।